वाइपर किसको बोलते हैं? वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल होता तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, सो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है नॉर्मल? 180 एटीएम। तो अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा मतलब 180 प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर डालना होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 180 देख सकते हैं ऐसा। और प्रेशर को दे रखा है मिलीमीटर ऑफ एचजी के फॉर्मेट में, मिलीमीटर ऑफ एचजी का मतलब हो गया 760 मिलीमीटर के बराबर डाल सकते हैं। बट ऐसा सवाल में मेंशन कर दिया है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन डिग्री सेल्सियस इफ एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर इज 5.26% मोर देन द रिक्वायर्ड। सो जितना प्रेशर है इसमें 5.26% हम लोग ऐड करके काम कर लेंगे। सो ऐसा बोल सकते हैं P2 वाला पार्ट हम लोगों का 100+5 मतलब 1.0526 इंटू 760 ऐसा कुछ निकल के आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं ना? पता जल्दी सो अगर ऐसा कुछ निकला P2 प्रेशर सो फिर तो आसान है सवाल, P2 को यहाँ डाला टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देखो एक बार कितना आ रहा, और बिना कैलकुलेटर के ही चलो हम ही कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, तुम लोगों को कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। सो लॉग दे रखा है, लॉग के अंदर 760 इंटू 1.0526 और इज इक्वल टू 7 माइनस 1250 डिवाइड बाई टी प्लस 220। ओके सो कैलकुलेशन में क्या शॉर्टकट निकाल सकते हैं हम लोग? log 2 is equal to 0.3। वाह कितना हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या शॉर्टकट निकाल सकते हैं? तो log 760 का वैल्यू कितना आएगा? log 760 का वैल्यू कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, या एप्रोक्सीमेटली अगर निकालना है तो ऐसा लिख सकते हैं इसको इक्वेशन के हिसाब से। इक्वेशन के हिसाब से मतलब? तो सवाल नहीं समझ आ रहा मेरे क्या बोलना चाह रहा है। सो 760 1.05 760 into 1.0526 800 के लगभग आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा मतलब कैलकुलेशन तो वही चल रहा है मेरे दिमाग में, और तो कोई इसमें तरीका नहीं दिख रहा। ये अप्रोक्सीमेटली 800 के हिसाब से बोल रहा है, तो 8 अच्छा इसे लॉक टू दे रखा है वहां पे, ठीक है 8 into 100 दे रखा, so 2 to the power 3 और यहाँ पे अपना अलग से वैल्यू निकल के आ गया। तो कैलकुलेशन में 100 का मतलब होगा 2 और 3 log 2 का मतलब हो गया 0.9, so अपना वैल्यू 2.9 के अराउंड आ रहा है। ये वैल्यू 2.9 is equal to 7 minus something, इसका मतलब 1250 by t plus 220 is equal to 7 minus 2.9, या 7 minus 3 करेंगे तो 4 आ जाना चाहिए वैल्यू, तो बेसिकली 4.1 होगा, इसको उल्टा कर लेते हैं, t plus 220 और 1250 by 40, अगर 4 होता तो 300 टाइम्स लगता वैल्यू, यहाँ पे 4.1 दे रखा है, सो अप्रोक्सीमेटली 300 के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं इसमें। T इज इक्वल टू 300 माइनस 220 मतलब 80 के अराउंड अपन लोगों का वैल्यू होना चाहिए, और वेपर प्रेशर डिग्री सेल्सियस में ही दे रखा है, सो 80 के अराउंड कुछ आंसर होगा जो भी, मतलब एग्जैक्ट आंसर तो ऑब्वियसली बात नहीं है, कितना आंसर? 85। हाँ ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाइज तो हम लोग ठीक ठीक चल रहे हैं, बट एनी हाउ मतलब मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में एक अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली यहाँ पे यूज किया ही जाना चाहिए, क्योंकि log 2 इक्वल टू 0.3 रखा है, जिसका मतलब ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली 800 के बराबर होगा, इसीलिए वैल्यू दिया भी है 5.26% देना ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे वैल्यू 800 के बराबर हो रहा होगा। मतलब काइंड ऑफ ऐसा सोच लो कि 760 mm प्रेशर है, यहाँ से हम लोग 800 पे चले गए,
सो 40 का चेंज हुआ, सो दिस 40 डिवाइडेड बाय 760 इनटू 100 ये मस्ट बी इक्वल टू 5.26 होना चाहिए, इसलिए ऐसा वैल्यू कितना 84.87 ठीक है, मतलब अब इतना एग्जैक्ट आंसर तो हम नहीं बता सकते कितना होगा, बट ये वैल्यू देने के पीछे लॉजिक तो वही है, लॉग 2 देने के पीछे लॉजिक वही है कि ये जो कैलकुलेशन होगा दिस वन 760 into 1.0526 ये 800 के बराबर होना चाहिए, तभी जाके log सेंस बनाएगा या फिर ये log 2 का वैल्यू सेंस बनाएगा हम लोग के लिए, उससे आगे का कैलकुलेशन तो खैर कर सकते हैं। खैर सवाल समझ में आया, ठीक क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट अपने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक मतलब क्या होता है, अच्छा सवाल है, मतलब बेसिक्स को समझने के लिए बहुत अच्छा सवाल है बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं। और कोई डाउट? जल्दी बताइए और कोई डाउट। प्रोपायोनेट क्या होता है? प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड होता है, उसको प्रोपायोनिक एसिड भी बोलते हैं, प्रोपायोनिक एसिड को। और कोई डाउट? अगर तुम लोगों को डाउट नहीं है तो अभी तुम लोगों को हम सवाल पूछेंगे, ये हम तो होमवर्क दिए थे। अच्छा एक, बस एक सवाल का जवाब चाहिए आपको, ये टॉपिक अब तुम लोग बनाया कि नहीं बनाया, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रोजन, दूसरा रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज और तीसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ चेन आइसोमर, ये तीनों कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? किससे ऐसा कंप्लीट नहीं हुआ है ये तीन ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक्स? सबका कंप्लीट हो गया है? मेरा नहीं हुआ है। मेरा नहीं हुआ है, मेरा कौन इंसान बोला पता ही नहीं चला हमको। पढ़ना होगा वाली चीज नहीं चलेगा भाई, पढ़ाई कभी का हम भी भूल चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स, हम तो अभी लाइक क्या